तो 10th क्लास स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक चैप्टर आपने फुल लगा लिया होगा, पूरा सॉल्व कर लिया होगा। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मानता हूँ काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम में मिल जाते हैं, लेकिन जो फैक्टराइजेशन क्वेश्चन है सॉल्व करने को मिलते हैं वो एनसीईआरटी से एग्जाम मिलते हैं। कभी आपने मैच किया कि एग्जाम बोर्ड में कौन से क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ चुके हैं, तो वो ये क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल आपको मिलेंगे नहीं, तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन तो सीखे ही नहीं है। तो आज मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सबसे पहले आप ये करिए कि स्टार्टिंग जो नंबर होता है उसकी आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूल होते ही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। आपको हमेशा यहाँ क्या लगाना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगा सकते हो उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी इसके लिए कंफर्टेबल है। तो सबसे पहले मैंने क्या कि 4 की ए स्क्वायर में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ली, उसके बाद मिडिल में देखिए आपको लाना क्या है, सिर्फ बी लेकर आना 4b, तो यहाँ पर बी स्क्वायर है तो इसके आप कर लीजिए फैक्टर, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। इतना हो जाने के बाद हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं, आपको इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर्स करिए, क्या फैक्टर हो सकते हैं 2 2 4, तो एक 2 इसको दीजिए एक 2 इसको दीजिए। फिर आप ये नोटिस करिए कि यहाँ पे साइन कौन सा, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करने से 4b चाहिए। इतना हो जाने में आप चेक कर लीजिए कि आपका यहाँ पे घटाने से 4b आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्योंकि फैक्टर हमारे बन चुके हैं, ये हमारा फैक्टर्स हैं, लेकिन इसे चेक कर लेना चाहिए। तो कितना 2a प्लस 2b मैच 2a प्लस 2b, तो देखिए 2a 2a कैंसिल, इसे 4b आ रहा है, तो यानी परफेक्ट फैक्टर बन चुके हैं, आपको सिर्फ वहाँ पर रिप्लेस करने हैं। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस b माइनस 2a माइनस b, बस आपको इतना काम करना है, जो फैक्टर यहाँ हो गए वो आपको यहाँ पे लिख देने, ये फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फैक्टर लिख देने के बाद आपको आगे वही मेथड लगाना है जो पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में किया जाता है, आपको ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर देना है, तो ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, और साथ में इसके फैक्टर कर लीजिए जो आपके ऊपर फैक्टर इसके किए थे, फैक्टर मैंने लिख दिए हैं। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचे कितना 2x प्लस a प्लस b, इधर सेम एज यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस तो लेना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पे सिर्फ a माइनस b कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना 2x प्लस a प्लस b, ये ब्रैकेट में आ चुका है। अब देखिए दोनों टर्म्स हमारे सेम बन चुके हैं, तो अब क्या करेंगे इनको यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी 2x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप लोग जानते हैं आपको 1 by 1 दोनों को इक्वल टू 0 टेक करना है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना आ जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको पता है मैं ये कैसे लिख रहा हूँ, उस साइड गया ये साइन चेंज किया और पॉन में 2 आ गया, तो x की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इज अ 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस 4a टू द 4 माइनस b टू द 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो लगाते हैं वही मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट इन दोनों के आपस में मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद आपको लाना है ए स्क्वायर, तो ये तो पावर 4 है तो इसके भी मैं कर लेता हूँ फैक्टर, फैक्टर कैसे करेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर एंड द बी स्क्वायर एंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, बस यहीं पर रुक जाना है आपको, क्योंकि हमारे आंसर में ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर के टर्म तक मुझे पहुँचना था। अब आपको करना है जब इसके दो फैक्टर हो जाए उसके बाद आपको इस नंबर पे आना है, इसके फैक्टर करते हैं, और इसके फैक्टर हमेशा क्वेश्चन एक सेट फॉर्म में होता है, मीन्स जो इसके फैक्टर पॉसिबल है उसी पे आंसर आपका आएगा। इसके फैक्टर क्या पॉसिबल है 2 2 4, तो आपको सिर्फ 2 1 इस फैक्टर को देना है और 1 2 आपको इस फैक्टर को दे देना है, और फिर जाना है वापस क्वेश्चन पे कि आखिर यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, आपको यहाँ पे प्लस लगा देना है।
ये फैक्टर आपके हो गए, चेक करना चेक कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके, लेकिन मैं पीछे चेक करके दिखा चुका हूँ करेक्ट आंसर आता है। अब इसके बाद रिप्लेसमेंट देते हैं 4x square, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे ये वैल्यू मैं नोट कर देता हूँ, 2 in bracket plus a square plus b square into x। इस टाइप के मैं और क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, इसलिए जिन बच्चों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। यहां ब्रैकेट में ओपन कर लेता हूं, यहां कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और यहां भी इसके फैक्टर्स कर लिए जाएंगे, हमेशा करेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं, ये फैक्टर मैंने यहाँ पे कर लिए। इसके बाद स्टार्टिंग की 2 टर्म्स से कॉमन देखिए आ रहा है 2x, तो बचा कितना यहाँ पे 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ, देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, बचे कितना 2x, देखिए साइन में निगेटिव कॉमन निकाला तो ये साइन चेंज करना पड़ेगा, अब बचे गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों चीजें सेम आ चुकी हैं, अब इन दोनों को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। इसके बाद 2x आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आपको करना है क्या, फैक्टर अकॉर्डिंग आपको पहला फैक्टर इज इक्वल टू जीरो टेक करना है एंड द सेकेंड फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो टेक करना, तो यहां से x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 एंड द सेम x यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो सोचिए ये लेवल है बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन आप मिलते हैं, और हर साल इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, तो इसलिए जो है क्वेश्चन देखते रहिए और प्रैक्टिस करिए, सीखिए, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने बोला था आपसे यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, यहाँ पे जो भी हो उसके आप फैक्टर करिए, कुछ भी नहीं सोचना आपको, जो भी यहाँ पे होगा उसका फैक्टर करने, मैं फैक्टर कर लेता हूँ। तो फैक्टर इसके कैसे करेंगे, इसको अलग से फैक्टर करने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, तो क्वेश्चन देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करें, जो भी यहाँ पे होगा तो 8 कैसे फैक्टर घटाएं से 2 आ जाए, तो मिल जाए 4 2, तो मैं लिख देता हूँ 4a माइनस का 2a माइनस का 8, ये तो सिंपल है, डायरेक्टली मैं फैक्टर्स कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे पास a प्लस 4 एंड a माइनस 2 आ गया, ये फैक्टर्स आ गए। तो मैं बोला था जो भी यहाँ फैक्टर्स आएंगे साथ ही यहाँ कोई नंबर, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो जो भी यहाँ फैक्टर आ गए, अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे साइन कौन सा था, तो यहाँ माइनस का साइन है, तो बस आपको इनके बीच में माइनस का साइन लगा देना है, चेक करना चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आएगी, देखो चेक करके दिखाता हूँ कि प्लस ये 6 आया ना नहीं यार, देखिएगा तो मैंने जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ए कट हो जाएगा, इक्वल टू 6 बच जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर हुए, यानी बिल्कुल सही फैक्टर हमारे हैं। अब मैं वहां पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ और देखिए आंसर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 4 माइनस ए माइनस 2, मैं रिप्लेस कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का रूल जो होता है मैं अप्लाई करूँ, और साथ में यहाँ पे जो चल रहा था इसके भी फैक्टर आप लिख दीजिए, इसके फैक्टर जो मैंने किए हैं वो आपको लिखना है, मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था कि आपको जो भी यहाँ पे फैक्टर किए हैं वो आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है, मैंने कॉपी कर दी है। अब मैं करता हूँ ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट जब ओपन करूंगा तो x की इंटू हो जाएगी किससे, ए प्लस 4 से, उसके बाद x की इंटू हो जाएगी ए माइनस 2 इंटू x से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं x, तो कितना आ जाएगा x प्लस, चलिए ब्रैकेट को लगा दें लार्जर ब्रैकेट, तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है ए माइनस 2, कॉमन निकाल लेते हैं, अगर निगेटिव कॉमन निकाल दें साइन चेंज होता है, प्लस हो जाएगा ए माइनस 2, कॉमन निकाले तो बचा कितना ए प्लस 4। अब बताइए ये चीज़ सेम है, बिल्कुल सेम आ रही है, तो इसको भी बाहर निकाल लेता हूं मैं, तुम्हारे पास फैक्टर हो चुके हैं ये इक्वल टू जीरो चल रहा है, तो क्या करेंगे 1/1 दोनों को इक्वल टू जीरो लेता हूं, तो पहला फैक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड द सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा माइनस ए प्लस 4 और यहां से कितना आ जाएगा ए माइनस 2। तो इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है, काफी सिंपल वे से मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए वीडियो देखते रहिएगा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैंने अभी बताया था आपको जो भी यहां पे जो भी है आप उसका फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर मैं यहां कर लेता हूं,
इसको पहले कॉपी कर लिया मैंने, तो फैक्टर करता हूँ 2b बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लगाते हैं इसमें a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना 2b बी प्लस ए एंड 2b बी माइनस ए। अब मैंने बोला था आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ये सोचिए यहाँ साइन कौन सा माइनस का साइन है, यहाँ बस निगेटिव साइन लगा दीजिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं 2a आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करके देख लीजिए 2a आ रहा होगा, 2b 2b कट गया 2a आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्टर हो चुके हैं। बस आपको करना है क्या, रिप्लेसमेंट देना है, तो मैं रिप्लेसमेंट देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2b प्लस a माइनस 2b माइनस a, तो ब्रैकेट क्लोज बाहर लगाते हैं x, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो फैक्टर मैंने इसके भी किए, तो इसके फैक्टर मैंने क्या किए चलिए नेक्स्ट टाइम पे लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ पे अभी कम चल रहा है, तो मैं लिख चुका हूँ। अब आगे लगाता हूँ इसको कंप्लीट। इसके और भी चैप्टर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा, अभी तो इससे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मिलता है 4 मार्क्स से एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा। तो इसके बाद मैं चैप्टर बता देता हूँ आपको किस बुक से मैं नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसके फैक्टर भी मुझे करने थे लेकिन मैं फैक्टर जानता हूँ, मैंने किए थे यहाँ पे कितने 2b प्लस a और 2b माइनस a था, तो यानी 2b माइनस a मैंने कॉमन निकाल लिया, मैं वहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप समझ जाएगा, तो जब यहाँ बचेगा कितना 2b प्लस a बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों चीज़ें सेम आ रही है, सेम आ रही है, तो इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 2b माइनस a इज इक्वल टू जीरो, तो अब फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, और उसके बाद सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x कितना आएगा उस साइड गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये उस साइड गया तो निगेटिव हो गया, तो इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, इस तरह से क्वेश्चन को लगाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द लास्ट क्वेश्चन। अब तो शायद ये क्वेश्चन देख के आपको क्लियर हो गया वो कैसे लगाना है, क्योंकि इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बोला आपको जो भी यहाँ पे होगा उसके फैक्टर करने, आप कुछ भी नहीं सोचना है, आपको भाई ये सोचिए यहाँ है कितना ए स्क्वायर प्लस ए माइनस इवन है वो 6 है, बस फैक्टर करनी है, कोई नंबर नहीं है इसलिए उससे इंटू नहीं करनी, तो बस आपको यहाँ पे इसके कर देने हैं फैक्टर, तो 6 कैसे फैक्टर है कि माइनस करने से 1 आ जाए तो कितना लेंगे, बिल्कुल सही है 3 माइनस का 2 ले देते हैं। तो ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये आर एस अग्रवाल की चैप्टर से मैंने लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बाकी और भी उसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ये एक्सरसाइज जो है 4A के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और भी क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं, आप लगा सकते हैं किसी भी साइड बुक से लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ ये RS अग्रवाल की बुक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4A से मैं क्वेश्चन टेक कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर से उसी बुक से मैं और क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पे टिक कर लिया, फैक्टर्स हो चुके हैं, मैंने बोला था यहाँ जो भी साइन हो वो साइन यहाँ लगा दीजिए, मैंने माइनस साइन लगा दिया, फैक्टर हो चुके हैं। अगर मैं a प्लस 3 में से a माइनस 2 घटाऊंगा समझिए 5 बच जाएगा, चेक करना चाहते हैं चलिए चेक कर लेते हैं, मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, देखिए a कट गया 5 आ गया, एंड बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर हुए हैं, बस करना है कैसे रिप्लेस करना है, मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो बस रिप्लेसमेंट देता हूँ मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह मैं लिख देता हूँ, जो फैक्टर मैंने यहाँ पे डिसाइड किए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो यहाँ पे था ए स्क्वायर, इसको भी आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो a प्लस 3 और a माइनस 2, यानी जहाँ जहाँ फैक्टर्स करने थे वहाँ वहाँ फैक्टर कर दीजिए, उसके बाद आप कॉमन देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ से मैंने इंटू कर दी है, थोड़ा तेज़ लिख देता हूँ क्योंकि अब आप क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो x कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, तो कितना आ गया है x प्लस a प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज ए मैं उसका 2 कॉमन निकालता हूँ, बचेगा कितना प्लस हो जाएगा निगेटिव साइन, मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है, तो ए प्लस 3 यहाँ अभी भी सेम बच गया, तो कॉमन आ गया सेम हो गया, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बस आपको कॉमन निकालना है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, पहला फैक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड द सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू आ गई माइनस ए प्लस 3 और ये आ गया उधर जाके ए बैस 2। तो इस तरह क्वेश्चन लगाएंगे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनका रिवीजन जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, चैप्टर नंबर यही चलेगा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द साइड बुक आर एस अग्रवाल।